हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू YCT बुक्स। यूथ कंपटीशन के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत करते हैं। YCT बुक्स को चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे डेली वीडियो अपडेट्स होने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसके अपडेट आपको मिले। और आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन नहीं किया हुआ और जिस तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहेगी, जिसमें आपको डेली के करंट अफेयर्स की उसमें PDF मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट सेशन को। जैसे कि आज पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है कि राजीव बंसल को किस भारतीय एयरलाइंस का चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है एयर इंडिया का। कहाँ, किसको? एयर इंडिया का किया गया है। और राजीव बंसल को हाल ही में एयर इंडिया के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्हें दूसरी बार एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और राजीव बंसल 1988 बैच के नागालैंड कैडर के IAS अफसर हैं। वे वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे एयर इंडिया के मौजूदा जो अश्वनी लोहानी का पदभार ग्रहण करेंगे। और बात करते हैं कि स्पाइस जेट की स्थापना कब हुई थी। तो स्पाइस जेट की स्थापना 2004 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसके बाद बात करते हैं कि इंडिगो, तो इंडिगो की स्थापना कब हुई थी। तो इंडिगो की स्थापना आपकी 2006 में हुई थी, जिसका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। और इसके CEO कौन है, तो इसके इंडिगो के CEO कौन है, इंडिगो के CEO राहुल भाटिया जी हैं। इंडिगो के CEO राहुल भाटिया जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया देवासी पांडा को। कौन है, देवासी पांडा को किया गया, जो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में। इसके बाद बात करते हैं ऋषि सुनक के बारे में। आपने करंट अफेयर में सुना कि ऋषि सुनक कौन है, तो ये ब्रिटेन के भारतीय मूल के ऋषि, भारतीय मूल के ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं, जो भारतीय मूल के यहाँ के हैं। इसके बाद और जो साजिद जावेद के बारे में बात करें, तो जिन्होंने जो वित्त मंत्री जो ऋषि सुनक हैं, इनकी पदभार ग्रहण किया, जो 13 फरवरी को ऋषि सुनक को वित्त मंत्री बनाया गया था। और इनसे पहले ये साजिद जावेद थे, जो पाकिस्तान के मूल के थे। आर के पचौरी के बारे में बात किया जाए, तो आर के पचौरी के 13 फरवरी को निधन हो गया था। और इसी तरह फिर इसके बात करते हैं, इसके और बारे में जान कर लेते हैं। तो 1987 के बैच के IAS अफसर देवासी पांडा को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं और वे वित्तीय सचिव के रूप में राजीव कुमार का स्थान लेंगे। इसके बाद नया क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री। जैसा कि मैंने हमने दूसरे ही क्वेश्चन में आपको बताया कि ऋषि सुनक कहाँ के, ब्रिटेन के, मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के वित्तीय मंत्री हैं। वित्तीय मंत्री हैं जो 39 वर्ष के हैं, जो नियुक्त किए गए। यह प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद भी होता है ब्रिटेन में, प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद है। और उन्हें साजिद जावेद का स्थान लिया गया है। और राजनीति से जुड़ने से पहले वो ऋषि सुनक गोल्ड मैन साक्स में कार्य करते थे। जब उन्होंने अपने कार्य राजनीति में नहीं शुरू किया था, तो उन्होंने गोल्ड मैन साक्स में कार्य करते थे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि मार्सेलो रेवेलो डी सोसा हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं। वे किस भारतीय देश के राष्ट्रपति हैं, तो वह पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो डी सोसा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम है जेयर बोल्सोनारो है राष्ट्रपति का नाम। और चीन के राष्ट्रपति का नाम, जैसा आप जानते ही होंगे, कि सी जिनपिंग नाम है उनका। और जापान के राष्ट्रपति का नाम सिंजो आवे। इसके बाद इसको और भी एक्सप्लेन करें, तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सोसा हाल ही में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। वे 2016 के पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं और यह उनकी प्रथम यात्रा है। और उनकी इस यात्रा के दौरान रक्षा, परिवहन, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं योग इत्यादि के क्षेत्र में 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन के आने से पहले हम आपको एक अपनी बुक न्यू आई हुई जो UPSC के लिए जो खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए Volume 2 आई हुई प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जिसमें भूगोल एवं भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधनों जनसंख्या पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण के और भारतीय कृषि वाणिज्य के मेन टॉपिक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इस बुक को तो आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी ख़रीद सकते हैं। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप की लिंक्स को से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन आपका, नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है, किस शहर में किया गया है? तो नशीली दवाओं के लिए रोक लगाने के लिए तो इसके मुंबई, चेन्नई के हैदराबाद, तो ये किया कि नई दिल्ली में, तो इसका सम्मेलन आयोजन किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया था, जो 13 फरवरी 2020 के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक देशों के सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन का आयोजन नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो द्वारा किया जा रहा था, किसके? नारकोटिक्स नियंत्रण के द्वारा किया जाता और इस सम्मेलन में बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका ने हिस्सा लिया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में नशीली दवाओं को अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6वां है कि वन्य जीवों के प्रवासी भारतीयों के संरक्षण कन्वर जिसमें CMS के फुल फॉर्म कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पाइसेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पर 13वें COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जापान, भारत, दक्षिण अफ्रीका के अमेरिका, तो इसमें कौन कर रहा है? भारत देश अपना जो 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी के लिए भारत करेगा, जिसमें वन्य जीवों की प्रजातियों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पाइसेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पर 13वें कॉन्फ्रेंस पारसिया की मेजबानी भारत करेगा। और इस सम्मेलन में एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड की वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा। और इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में 17 फरवरी से 22 फरवरी 2020 तक किया जाएगा। और भारत के अगले 3 वर्षों के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP का अध्यक्ष नामित किया गया है, भारत को ही 3 वर्षों के लिए भारत को ही किया गया है। और इस सम्मेलन के तहत ऐसी प्रजातियों को विलुप्त के कगार पर हैं जिनका अस्तित्व संकट में हो कि पारिस्थितिक सूचीबद्ध किया जाएगा, वे प्रजातियां जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मदद की ज़रूरत है उन्हें परिस्थिति में शामिल किया गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन हमारा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य की सरकार ने दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? तो वो की है सी ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश ने की है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम शहर में पहले दिशा स्टेशन की स्थापना की। और इस स्टेशन की स्थापना आंध्र प्रदेश के आपराधिक कानून बिल 2019 के अंतर्गत तहत की गई और दिशा एक्ट के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसी में ऐप भी इन्होंने स्थापित किया है, ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। दिशा नाम से 26 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक को दिया गया है, जो दिशा नाम किसका 26 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक का दिया, जो प्रतीकात्मक नाम है, जिसकी 27 नवंबर को हैदराबाद में बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई थी। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष अदालत के अलावा 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और इसी के तहत मोबाइल एप्लीकेशन भी दिशा ऐप भी लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति यदि वह फ़ोन में ऑपरेट नहीं कर सकता तो संकट की स्थिति में सिर्फ अपने फ़ोन को हिलाकर ही चेतावनी दे तो वो इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कर लेगा। तो इसी तरीके से हमने जो अभी आपको बताई तो बी ये हमारा करंट सेशन पूरा होता है। और इसी में आपको अगर जैसे BEO की आप बुक 4 वॉल्यूम 1, 2, 3 4 वॉल्यूम है, अगर आप ये 4 वॉल्यूम लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट्स और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमारी इन बुकों को खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।